हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए आर एजुकेशनल हब। आई एम अभिषेक। तो फ्रेंड्स आज हमारा जो टॉपिक है वो है नीट पोस्टपोन्ड और नॉट। तो फ्रेंड्स आज हम लोग इसी में बात करेंगे। हम दो टॉपिक्स को लेकर आज बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला नीट होगी या नीट नहीं होगी। फ्रेंड्स आज हम लोग यही दो टॉपिक पर बात करने वाले हैं क्योंकि अभी बहुत बड़ा सबका मैटर बना हुआ है। जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं, सभी परेशान हैं कि आखिर नीट होगी या नहीं होगी और होगी तो कब होगी। आप सभी इसी बात को परेशान है लेकर। मगर मैं फ्रेंड्स, आप जितने भी नीट एस्पिरेंट स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे बस एक बात पूछना चाहता हूँ कि आखिर आप कर क्या रहे हो। सबसे पहली बात, आप कर क्या रहे हो, क्यों आप लोगों को नीट पोस्टपोन करानी है, आप लोग क्यों इस बात को सोच के बैठे हो कि नीट पोस्टपोन होगी, क्यों। मैं सबसे पहले आप लोग से यही बात पूछूंगा, क्यों आप लोग चाहते हो कि नीट पोस्टपोन हो जाए। देखिए कितने स्टूडेंट ने अब ये चाहते होंगे कि नीट पोस्टपोन हो जाए, नीट थोड़ा और बढ़ जाए। और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं वो भी चाहते होंगे कि नीट जल्दी से जल्दी यही डेट में, जो 13 सितंबर को न्यू डेट मिली है हम लोग को, इसी डेट में नीट जो है वो हो जाए। फ्रेंड्स मैं आपसे पूछता हूँ कि आखिर नीट पोस्टपोन क्यों होगी। आप लोग ये सोचकर क्यों दिमाग में बैठे हो कि नीट पोस्टपोन होगी। फ्रेंड जितना टाइम आप ये सोच रहे हो कि नीट पोस्टपोन होगी या नहीं होगी, जिसके कारण आपको टेंशन बने हुए, दिन रात आप यही सोच रहे हो कि नीट का क्या होगा, पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, मैं आप लोग को बोलता हूँ क्या करना है यार सोच कर। आप लोग पहले एक बात पहले बताओ, आखिर नीट पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, आप लोग ये क्यों सोच रहे हो मुझे बताओ। आप जब नीट जब 3 मई को होनी थी, मुझे बताओ आप जब नीट 3 मई को होनी थी, क्या आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं था, क्या आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं था। फ्रेंड्स मुझे बताइए आप कि जब 3 मई को एग्जाम होनी थी, 3 मई 2020 को एग्जाम होनी थी, आपको सभी को पता, जितने भी नीट एस्पिरेंट है सभी को पता है कि 3 मई को नीट हो जाती, आप सभी को पता है। तो क्या इस टाइम तक आपके जो सिलेबस थे वो कंप्लीट नहीं थे क्या, उस टाइम भी कंप्लीट थे। फ्रेंड्स अगर इस टाइम एग्जाम होती तो इस टाइम भी आप एग्जाम देने जाते और एग्जाम देते भी, जितना भी आपका तैयारी हुआ होता, फिजिक्स केमिस्ट्री जितना भी आपका तैयारी हुआ होता, आप उसी में एग्जाम दे के आते। नेक्स्ट फ्रेंड देखिए, हम लोग को नेक्स्ट डेट मिली 26 जुलाई हम लोग को डेट मिली। फ्रेंड्स नीट यहाँ से पोस्टपोन हो गया कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण यहाँ से पोस्टपोन हो गया 26 जुलाई। अब फ्रेंड्स मुझे बताइए, आप लोग को इतना दिन फ्री टाइम मिला, आप लोगों ने इसमें बहुत सारे मुझे पता चला है कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग बहुत इस टाइप से सोच रहे थे कि नीट कब होगी, कब होगी, कब होगी, कब होगी, तब जाके न्यू डेट निकली 26 जुलाई। तो फ्रेंड आप लोग को उसके बाद भी चैन नहीं था। मैंने बहुत कमेंट देखे हैं फ्रेंड्स, मेरा टेलीग्राम का चैनल है फ्रेंड्स, मैंने उसमें भी देखा है, जब भी मैं टेलीग्राम खोलता हूँ अपना, मैं दिन भर यही देखता हूँ नीट पोस्टपोन होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, नीट कब होगी, कैंसिल होगी। अरे यार मैं आप लोग से पूछता हूँ, नीट पोस्टपोन होगी भी तो क्या हो जाएगा, किससे भाग रहे हो आप लोग, नीट से भाग रहे हो, आज नहीं तो कल नीट होनी ही है, किससे भाग रहे हो आप लोग, मेरे को बताओ आप लोग किससे भाग रहे हो। नीट मान के चलिए 13 सितंबर को नहीं होती है, मैं एक बात लेकर चलता हूँ, 13 सितंबर को नीट नहीं होती है तो क्या नीट कैंसिल हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, नीट पोस्टपोन हो जाएगा। मान के चलिए, मानता हूँ मैं, सितंबर में नहीं तो नवंबर में हो जाएगा, तो क्या नीट आपका पीछा छोड़ देगा, नहीं होगा ऐसा। ज़्यादा ज़्यादा फ्रेंड्स दिसंबर चला जाएगा तो क्या होगा, नीट आपका पीछा छोड़ देगा क्या, नहीं छोड़ेगा। फ्रेंड्स फिर आप लोग इस बात का आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहे हो कि नीट होगा कि नहीं होगा, आप लोग क्यों सोच के रखे हो कि नीट होगा नहीं होगा, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दो ना। देखिए जितने भी मैं टेलीग्राम चैनल देखता हूँ, सब यही क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, मैंने भी देखा है, मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सब मुझे कहा है कि सर आप बता दीजिए सर नीट पोस्टपोन होगा कि नहीं होगी। मुझे आप बताइए, आप जान के क्या करोगे फ्रेंड्स, आप क्यों नहीं मान लेते कि 13 सितंबर को नीट होगी, क्यों नहीं मान लेते फ्रेंड्स आप लोग। अगर आप 3 मई को एग्जाम देने जाते तो एग्जाम देते ही, अगर 26 जुलाई को एग्जाम होता तो क्या आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, आपका सिलेबस जितना भी कवर हुआ होता, आपको एग्जाम देने जाना पड़ता और आप एग्जाम देते भी और रिजल्ट भी आता, मुझे पता है फ्रेंड। जैसा कि आपको पता है, कर्नाटक का जो एग्जाम है KCT वो हो चुका है फ्रेंड्स, आप भी जानते हो, आपने न्यूज़ में ही देखा होगा कि बहुत सारा वहाँ पर सिक्योरिटी रखा गया, सैनिटाइजर और मास्क, उस जितने भी स्टूडेंट्स थे सभी मास्क पहन के एग्ज़ाम देने गए थे, पूरा अच्छा सा वहाँ पर सिक्योरिटी था उनके, मतलब कि उनके सुरक्षा को लेकर, तभी जाके वो लोग एग्ज़ाम दे पाए। क्या एग्ज़ाम नहीं हुआ KCT का, हुआ, उसका भी एग्ज़ाम हुआ कुछ ही दिन की बात है फ्रेंड्स, यहाँ पे यूपी जो BEd था, जो यूपी का BED का एग्ज़ाम था, वो भी एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होगा। आप ये सोच के देखो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात जो है आप ये सोच के देखो
लगभग 16 लाख स्टूडेंट इस बार फॉर्म भरे हैं, 16 लाख अप्रोक्स इस बार फॉर्म भरे हैं फ्रेंड्स। आपको पता होगा 16 लाख स्टूडेंट्स इस बार फॉर्म भरे हैं। आप जानते होंगे जो स्टेट में मैं रहता हूँ झारखंड में, मैं झारखंड में रहता हूँ, लगभग यहाँ पर 18,000 अप्रोक्स स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म भरा है फ्रेंड्स। आप मुझे बताओ 29 स्टेट्स है फ्रेंड, लगभग कितने कितने बच्चे एक स्टेट में एग्ज़ाम देने जाएंगे, आप भी सोच के देख लो। लगभग बीएड में फ्रेंड्स, जो यूपी बीएड था, लगभग 3.5 लाख स्टूडेंट यहाँ पर एग्ज़ाम देने गए थे, 3.5 लाख स्टूडेंट यहाँ पर एग्ज़ाम देने गए थे, और केसीटी का लगभग 2 लाख या समथिंग 1 लाख स्टूडेंट यहाँ पर एग्ज़ाम देने गए थे। तो क्या इनका एग्ज़ाम नहीं हुआ? हुआ है फ्रेंड्स, इनका भी एग्ज़ाम हुआ है। मुझे बस आप इतना बता दूं कि आप आखिर आप क्यों सोच रहे हो कि नीट पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। सबसे बड़ी गलती आप लोग का ये है जो आप लोग सोच रहे हो कि आप लोग धारणा बना के रखे हो कि 13 सितंबर को एग्ज़ाम होगा, आप लोग इस बात का टेंशन लेके बैठे हो। भूल जाओ फ्रेंड्स, आप लोग सब भूल जाओ कि 13 सितंबर को होनी है, 26 जुलाई को। यार देखो, नीट आपको देनी है, आप पढ़े हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं हो। नीट आज हो जाए या कल हो जाए या परसों हो जाए या दिसंबर में हो या नवंबर में हो, नीट तो होनी है फ्रेंड्स, ये आप भी जानते हो। फिर आप लोग टेंशन किस बात के ले रहे हो कि नीट पोस्टपोन हो जाए? फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अभी केस गया हुआ है, 11 स्टेट से 11 स्टूडेंट ने जाके वहाँ पर याचिका दायर की है कि नीट पोस्टपोन कर दी जाए, और बहुत सारे पेरेंट्स भी ट्राई कर रहे हैं कि नीट पोस्टपोन कर दिया जाए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो नहीं चाहेंगे कि इस कोरोना काल में कोई भी बच्चे एग्ज़ाम देने जाए, आपको सभी को पता है। तो फ्रेंड देखिए, हमारे जो एचआरडी डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा है कि 13 सितंबर को एग्ज़ाम होगी। देखिए फ्रेंड्स, उन्होंने कहा है कि 13 सितंबर में एग्ज़ाम होगी, तो आप लोग इसी डेट को मान लो ना फ्रेंड्स, इसी डेट को फाइनल मान लो ना, इसको देख के आप लोग पढ़ाई करो। आप लोग को कितनी और कितना टाइम चाहिए फ्रेंड्स बताइए मुझे, क्योंकि देखिए आप सभी को पता है, मैं आप लोग को एकदम सीरियसली बात बोलता हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं सीरियसली आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे बोल रहे हो ना कि नीट पोस्टपोन हो जानी चाहिए, नीट पोस्टपोन हो जानी चाहिए, उनका मतलब सीधा सीधा यही है, या तो उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। फ्रेंड्स आपको कितना टाइम चाहिए आप बताइए, अगर आप 3 मई को एग्ज़ाम देने जाते तब भी आप एग्ज़ाम देते ना, 26 जुलाई को एग्ज़ाम होता तो एग्ज़ाम देते ना जाके। और फ्रेंड्स सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है, आप बताइए मुझे कितना टाइम मिला है आप लोगों को, कितना ज़्यादा टाइम मिला है, लगभग आप लोगों को 5 मंथ का टाइम मिल गया फ्रेंड्स, यहाँ पर लगभग 5 मंथ का टाइम मिल गया है, तब जाके आप लोग एग्ज़ाम होनी है। तो मुझे बताइए आप लोगों को कितनी टाइम चाहिए, नीट क्यों पोस्टपोन कराना चाह रहे हो आप लोग? आप लोग जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो समझ रहे होंगे कि अभी क्या दिक्कतें आ रही हैं। मैं तो बस आप लोग को कहता हूं कि 13 सितंबर को आप लोग फाइनल डेट मान लो कि नीट एग्ज़ाम होनी है इस दिन। अगर पोस्टपोन होती है तो ठीक, और नहीं होती है तो भी ठीक, क्योंकि फ्रेंड्स एग्ज़ाम नहीं होगा तो बहुत टेंशन बना हुआ है सभी स्टूडेंट्स को, बहुत ज़्यादा टेंशन बना हुआ कि नीट आखिर कब होगी, 13 सितंबर को होगी या नहीं होगी। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दो ना अपना, आप लोग सिर्फ पढ़ाई करो अपना, इसी डेट को फाइनल मान लो। जैसे आप लोगों ने इस डेट को फाइनल मान लिया था, फिर इस डेट को फाइनल मान लिया था, वैसे इस डेट को ही फाइनल मान लो, ये एग्जाम होगा तो होगा तो होगा। मत कुछ करो, बस यूट्यूब देखो, कुछ मत देखो, मैं सभी को देख रहा हूँ, बार बार आप लोग नेट पे सर्च कर रहे हो, मैंने भी देखी, मेरे ग्रुप में भी बहुत बार मैंने देखा है कि बार बार वहाँ पे हम लोग को मतलब कि स्क्रीनशॉट भेजा जा रहा है डिस्प्ले का कि नीट इतना तारीख को होगा, नीट इतना तारीख को होगा, नीट कैंसिल हो सकता है, ये वो बहुत सारे मैसेजेस फ्रेंड्स अभी रन कर रहे हैं। आपको वो सब को इग्नोर करना है, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि 13 सितंबर को एग्ज़ाम नीट की होगी, आप लोग को ये मान के चलना है फ्रेंड्स। जो भी हो देखा जाएगा, अब जो भी यहाँ पे मतलब कि न्यू डिसीजन होगा आप लोग देख सकते हो, वो अलग से पता चली जाएगा। तो मगर अभी आप लोग इस डेट को लेकर चलो ना, मत सोचो कुछ भी कि नीट पोस्टपोन होगा, आप लोग बस इस डेट को लेकर चलो। हमने कहा था कि हम दो बातें करेंगे, नीट होगी, तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं नीट किस लिए होगी, क्योंकि आप सभी को पता है केसीटी हो चुका है, यूपी का बीएड हो गया है। तो फ्रेंड जब यहाँ पर इतने स्टूडेंट है, तो आप मुझे बताओ 16 लाख स्टूडेंट इस बार एग्ज़ाम देना देंगे इस बार 16 लाख स्टूडेंट, और 29 तो स्टेट है, आप मुझे बताइए क्या यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं होगी? एकदम होगी। सेकेंड बात करते हैं, नीट आखिर क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसलिए फ्रॉम फ्रेंड क्यों नहीं होगी, क्योंकि अभी कोरोना बहुत बढ़ते जा रहा है, केसेस बहुत ज़्यादा अभी आ रहे हैं, लगभग अभी 62,000 इस बार कोरोना पेशेंट आए हैं फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा। तो इस हिसाब से हो भी सकता है कि नीट पोस्टपोन हो जाए, बट हम लोग इस पर ध्यान नहीं देना है, हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं फ्रेंड्स, हम लोग तो इस पर ध्यान नहीं देना है, हम लोग को मान लेना है कि 13 सितंबर को एग्ज़ाम होगी और 13 सितंबर को एग्ज़ाम हम लोग को देना है।
आप लोग कोई बात पे ध्यान मत दो, कुछ मैसेज मत पढ़ो, जो होगा देखा जाएगा फ्रेंड्स। अभी आपके पास टाइम है, अभी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, एक बार टाइम निकल जाएगा फ्रेंड्स, आप कुछ नहीं कर पाओगे, अपने आप को पछताने के सिवा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मैं अभी से अभी भी कहता हूँ आपके को कि अभी टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। 13 सितंबर को एग्ज़ाम जो भी होगा आपको एग्ज़ाम देनी है, आप लोग इस डेट को पूरा मान लीजिए कि इस दिन एग्ज़ाम होगा, और इसको देख के अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। लगभग फ्रेंड्स आप लोग के पास 1 मंथ और बचे हैं, 1 मंथ और बचे हैं आप लोग के पास। तो प्लीज़ मैं आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग मत ध्यान दीजिए कि नीट पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, ये सब पे बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। मैं आप लोगों को बता दूँ कि जितने भी अभी तक यूट्यूबर्स मैंने देखा है वो ऐसा नहीं करते होंगे, उन्होंने सिर्फ बता दिया है कि नीट पोस्टपोन होगी। यार क्या करना है जान के, आपको नीट 13 सितंबर को होगी तो भी देना है आपको, पोस्टपोन होगा तो भी देना है आपको। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग इस पर प्लीज़ किसी चीज़ पर ध्यान मत दो, 13 सितंबर को डेट लिख लो, एक दिन एग्जाम होनी है, मतलब होनी है और आप लोग को देना होगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोग मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। आप लोग घर में पढ़ाई कीजिए और अच्छे से रहिए, धन्यवाद।